उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं जो शासन व्यवस्था के विकास के दावों के पोल को खोलती है। इसी क्रम में दरभंगा के बाढ़ के पानी के बीच दर्द से कराह रही एक गर्भवती महिला की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो निश्चित ही शासन सत्ता के दावों के सच को सामने लाती है। दरअसल बाढ़ के पानी के बीच घिरी एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने का जब कोई साधन नहीं मिला तो परिवार वालों ने जुगाड़ की नाव बनाई और किसी तरह गाँव से निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर डॉक्टरों ने महिला का तत्काल इलाज किया। पूरा मामला दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के असराहा गांव की है, जहां पूरे इलाके में बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। गांव की सड़कों पर पानी आ जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान 8 माह की गर्भवती महिला रुखसाना परवीन को अचानक से पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। बाढ़ के पानी में घिरे होने के कारण सड़क डूब चुकी थी। कमर भर से ज्यादा पानी होने के कारण घर से भी निकलना मुश्किल था। गर्भवती महिला की मां कनीजा खातून ने बताया कि बाढ़ का पानी उसके घर तक पहुंच चुका है। बेटी की तबीयत बिगड़ी तो किसी तरह ट्यूब के सहारे पानी पार कर अस्पताल आए और इलाज करवाया, लेकिन अब भी बेटी को काफी दर्द हो ही रहा है। वहीं रेस्क्यू टीम में शामिल युवक सहित अब साहिल अब्बासी ने कहा कि बाढ़ का समय है, इसी बीच गर्भवती महिला को दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद केला के थंपर ट्यूब के साथ तख्ता रखकर केवटी हॉस्पिटल लाए। पंचायत में एक नाव जिला प्रशासन से मिली है जिससे काफी असुविधा हो रही है। एक नाव और दिया जाए जिससे पंचायत के लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। दरभंगा के डीएसपी अनोज कुमार ने आज दरभंगा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं आज इसको लेकर दरभंगा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डीएसपी अनोज कुमार ने भ्रमण किया और देखा कि पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सके और उल्लंघन न हो, ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। खुद भी डीएसपी अनोज कुमार सड़क पर उतरकर मास्क और हेलमेट की जांच किए और लोगों को भी समझाया और संदेश दिया कि मास्क का प्रयोग कीजिए ताकि कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। लॉकडाउन को कड़ाई से अनुपालन हेतु जो है अनुमंडल पदाधिकारी के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं बिना मास्क के उन पर कार्रवाई हो रहा है। यहाँ ट्रैफिक बड़ा हुआ है, इतना फाइन हो रहा है, और जो दुकान खुला है जिसको नहीं खोलना उनके लिए भी कार्रवाई हो रही है। केस के अभी जिसे देखिए लक्ष्मी स्वीट्स एंड चाट के विक्रेता है जो खोल करके बेच रहे थे और समोसा भी बेच रहे थे, लगाए हुए थे, क्या कार्रवाई की जाएगी उस पर? केस होगा मालिक पर और जो है। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी के सेविकाओं को पर्यवेक्षक के द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह अपने लाभार्थी का 100% खाता एवं आधार अपलोड कर लें एवं वेरीफाई कर लें। जो सेविका के द्वारा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है उसे बाद में पोषाहार उतना ही मिलेगा जितना वह अपलोड की है, एवं जो काम नहीं करेगी सेविका, ऑनलाइन अपलोड नहीं करेगी, उनका चयन मुक्त भी हो सकता है। राष्ट्रीय ऑफिस में लॉकडाउन का हो रहा है उल्लंघन, सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा है पालन। दरभंगा जिला के लहरियासराय के राष्ट्रीय ऑफिस में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एक साथ नजर आए जहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे में कोरोना वायरस फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज दरभंगा सदर अंचल के लोमाम, बलहा एवं बिजली पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण संबंधित पदाधिकारियों के साथ
किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया था, वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सदर अंचल में 12 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान पाया गया कि बिजली पंचायत के ककरघट्टी गांव के कुछ परिवार पानी से घिर गए हैं, जो NH-57 पर आश्रय लिए हुए हैं। NH-57 पर आश्रय लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध कराने तथा उनके पशुओं के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा को तत्काल पर्याप्त मात्रा में पशु चारा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बल्ला पंचायत के अमडीहा के समीप पथ निर्माण विभाग की सड़क में कटान को देखकर कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग दरभंगा को तुरंत कटान स्थल पर सड़क की मरम्मति कराने का भी निर्देश दिया। NDRF को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया। जिन स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश दिया गया वे हैं प्राथमिक विद्यालय रामपुर, प्राथमिक विद्यालय नदौल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमडीहा, मध्य विद्यालय बल्हा, प्राथमिक विद्यालय मानी, प्राथमिक विद्यालय रामसल्ला, मध्य विद्यालय काकरघट्टी, मध्य विद्यालय खरतुआ, मध्य विद्यालय भुस्कौल, मध्य विद्यालय खखाड़ा एवं मध्य विद्यालय छोटाई पट्टी। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड मुख्यालय जहां नाव चलने को बेबस है, मजबूर है, लाचार है, इस जगह पे जहां पुलिस कर्मी को नाव का सहारा लेकर के ही अपने ही कार्यालय में उन्हें आना पड़ता है, यह हालात है दरभंगा शहर से सटे सदर प्रखंड मुख्यालय का, जहां थाना परिसर है और थाना परिसर में जल जमाव हो गया है। जो फैमिली क्वार्टर है थाना पुलिसकर्मी का, उसमें भी पानी भर गया है। सड़क पर से थाने के अंदर जाने में भी नाव का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो ठौने भर से ऊपर पानी पूरे बर्दी को भिंगा के रख देगा। बरसात के पानी से तरह तरह से जमा हो गया, थाना में पानी भर गया है। सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है, नाव से हम लोग आना जाना रोड तक होता है। उसके बाद गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल तो निकल नहीं पाती है थाना से, तो गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल रहती है, रोड पर लगा देते हैं। यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड अंतर्गत शंकर लोहार चौक पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट के टॉपरों को प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव व उपाध्यक्ष रजनीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिभा सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया। मौके पर बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह संगठन गैर राजनीतिक और गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जो समाज के हर तबके के लिए कार्य कर रही है। दरभंगा NSUI युवा टीम कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में जनताओं के हित में उतरे। आज जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव बाढ़ में पूर्णतः से प्रभावित है। सभी सड़कें लगभग डूब चुका है, अब केवल एक ही सहारा है नाव, जो प्रशासन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। वहीं करे नदी पर बना वाटरवेज बांध का मुआयना किया जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। युवा नेता दिलखुश कुमार ने कहा कि बाढ़ का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारी सभी मस्त हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, तो स्थानीय विधायक शशिभूषण हजारी, प्रिंस राज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि करे नदी पर बना वाटरवेज बांध का ऐसा दुर्दशा क्यों है। DMCH के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ प्रतिवाद दिवस आयसा ने किया। DMCH सहित बिहार के 64 स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफा। DMCH की बदहाल व्यवस्था के जिम्मेवार अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद पर कार्रवाई करने गंगा देवी, प्रोफेसर उमेश चंद्र, कर्ण व जमाल अहतर रूमी की मौत की उच्च स्तरीय जाँच करने व दोषियों पर कार्रवाई करने, DMCH में ICU बढ़ाने व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर अस्पताल में ICU की व्यवस्था करने, कोरोना का
टेस्टिंग बढ़ाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर के आयशा की दरभंगा जिला कमेटी के आह्वान पर प्रतिवाद दिवस मनाया गया। प्रतिवाद दिवस के अवसर पर लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्यालय व घर पर धरना दिया गया।